स्टूडेंट्स टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो आप देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें वर्टिसेस दे रखे हैं और फोकाई हमको दे रखा है। तो देखिए इसके जो वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस ये आपका प्लस माइनस 2.0 और ये इक्वल होता है इन जनरल जो आपका स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है। तो देखिए ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला, देखिए ध्यान दीजिए इसके जो वर्टिसेस और फोकाई है, इसका जो फोकाई है वो किस पर है, वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। इसके वर्टिसेस और फोकाई दोनों किस पे, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। तो ये जो हमारा हाइपरबोला होगा वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की फैमिली से बिलोंग करने वाला हाइपरबोला ये होगा। ठीक है, अब इसके वर्टिसेस, स्टैंडर्ड जो आपका हाइपरबोला होता है उसके जो वर्टिसेस होते हैं वो क्या होते हैं, प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। तो जब हम इसको यहां से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए की वैल्यू हमें 2 मिल जाएगी, ए की वैल्यू हमारी 2 है। फोकाई की अगर हम बात करें तो फोकाई हमारा है क्या, प्लस माइनस 3.0 और स्टैंडर्ड जो हमारे पास हाइपरबोला होता है तो उसमें जो फोकाई होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है, ये आपका होता है प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। ठीक है, तो प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, तो यहां से सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब देखिए, अब जो आपका हाइपरबोला है उसकी जो इक्वेशन है वो कौन डिसाइड कर रहा है, वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर डिसाइड कर रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो आपके इक्वेशन में हमेशा शामिल रहेंगे। हर इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो वही होगा जो है। तो ये आपका ए हो गया 2, सी हो गया 3। एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो आपका हाइपरबोला होता है उसमें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और जो आपका इलिप्स होता है उसमें उसमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। तो यहां पर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू, बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, सी की वैल्यू हमें दे रखी है, तो ये आपका 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका 9 इज इक्वल टू 4 प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो गया। तो यहां से बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन इसकी हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू है 2, तो 2 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी की वैल्यू रूट 5 है, तो रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1 जो होगा वो हमारा क्या होगा, हाइपरबोला होगा। और यही इसकी क्या होगी, फाइनल इक्वेशन होगी। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए।